हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं मानसी मेंदोला, देवभूमि उत्तराखंड गुरुद्वार से आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। और अभी बज चुके 1 बज गए दिन के। तो आज हमारे गुरुद्वार में आ रहे अमित शाह, वो पहली बार आ रहे हैं, तो आज पहली बार उनसे मुलाकात होगी। तो वो आ रहे हमारे गुरुद्वार में, एक जगह है दुर्गापुरी वहाँ पे, और वो आ रहे हेलीकॉप्टर से। जो उनका हेलीकॉप्टर है वो लैंड होगा हमारे गुरुद्वार के पीजी कॉलेज में, और उससे पहले रैली भी है, बाइक रैली भी है। तो मैं आप लोगों को ना बाइक रैली नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वो दूसरी जगह है, हम लोगों ने दूसरी तरफ जाना है इस वजह से। और जब मैं पहुँच जाऊँगी हमारे जब मैं पहुँच जाऊँगी दुर्गापुरी, तो तब आपको मैं मिलती हूँ और आप लोग पूरे ब्लॉक में बने रहिए। जगह मैं देख रहा हूँ लोगों में दर्द है कांग्रेस के बातों पे, और ये जो पहाड़ में पलायन हो रहा है, इस पलायन के पीछे कौन है साथियों? 70 सालों से इस गढ़वाल की उपेक्षा की गई, 70 सालों से पहाड़ की उपेक्षा की गई, उसका दंश आज हम सब लोग झेल रहे हैं। हमारे लोग महानगरों में चले गए, पहाड़ खाली हो गए, उत्तराखंड बदलने लग गया। जब यह राज्य बना था इस पौड़ी जनपद में 8 विधानसभाएं थी, आज 6 रह गई हैं। भविष्य में क्या होगा आप सब लोग जानते हैं किस तरीके से चल रहा है। इस पलायन के खिलाफ एक जंग छेड़नी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम लोग पलायन भी ले रोकेंगे और रोजगार भी देंगे, उस सब के लिए हम लोग तैयार हैं। हम प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में इस पलायन के खिलाफ एक जंग की शुरुआत करेंगे और इस पलायन को हराएंगे। जहां पर हमारे पुरखे चले हैं, जिन राहों में हमारे पुरखे चले हैं, उनको भूता नहीं होने देंगे, उनको आबाद करके रहेंगे और निश्चित तौर पर रिवर्स माइग्रेशन करके दिखाएंगे। मैं आप सब लोगों से सारे वादे आज करके जा रहा हूँ। आप सब लोग जानते हैं मैं बीमार था, गंभीर रूप से बीमार था, मेरा जीवन बचा है तो इस गढ़वाल के लिए मैंने कसम ली है कि आगे वाले अपने जीवन का पल पल और अपने जीवन का क्षण क्षण इस गढ़वाल के विकास के लिए काम करके दिखाऊंगा। आने वाले 19 तारीख तक मेरा साथ दीजिए। आप 19 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। 19 तारीख के बाद आपका भाई, आपका बेटा अनिल बलूनी आपके साथ पूरे टाइम खड़ा रहेगा। और देखिए, इस गढ़वाल का चरित्र, इस उत्तराखंड का चरित्र बदलने की कोशिश हो रही है। आपको याद होगा हरीश रावत जी कहते थे शुक्रवार को जुम्मे की छुट्टी होगी। आप बताइए, क्या इस देवभूमि में जुम्मे की छुट्टी होनी चाहिए? आप बताइए, जब यहाँ के प्रत्याशी अध्यक्ष थे, पिछली बार हमने सुना है कहा था उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, क्या इस देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए? इस उत्तराखंड के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इन्होंने हजारों एकड़ जमीन मुक्त कराई है। जहां मर्जी चादर बिछा दो, जहां मर्जी कुछ कर दो, जगह घेर लो मदरसों के नाम पर। इस तरह से हम नहीं चलने देंगे, इस देवभूमि को खत्म नहीं होने देंगे। हम सब शपथ उठाते हैं इस देवभूमि के चरित्र को बचाने के लिए। आप सब गृह मंत्री जी को सुनने आए हैं, गृह मंत्री जी यहाँ पर आए, मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा मेरा जीवन बचा है, उसके पीछे बहुत उसमें बहुत बड़ा योगदान माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से मुझे सफल दिया, जिस तरह से मुझे समय समय पर मुझे आगे बढ़ाया। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसी वक्त मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया और उसी वक्त मैं मीडिया विभाग का प्रमुख बना हूँ। हर वक्त मेरे साथ आशीर्वाद रहा है और आज आप लोगों को संबोधित करने भी आए हैं। निश्चित तौर पर जो गढ़वाल की समस्या है उनको माननीय गृह मंत्री जी जानते भी हैं और उनके समाधान के लिए आगे भी हम लोगों का सहयोग करने वाले हैं। मैं आप लोगों से पुनः 19 तारीख के लिए एक निवेदन करके अपने बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिल बलूनी जी। अब मैं बुलाना चाहता हूं उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से, आप हम सभी को संबोधित करें। मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, सिद्ध वली बाबा की, सिद्ध वली बाबा की, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज हमारे गढ़वाल के द्वार कोटद्वार में आज हम सब लोग जिनको सुनने के लिए आए हैं, भारत सरकार के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, लोकसभा गढ़वाल के हमारे प्रत्याशी
और आप सबके अत्यंत ही प्रिय भाई अनिल बलूनी जी, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद गढ़वाल आदरणीय श्री तीरथ सिंह रावत जी, एक बार सब लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आज बड़ा शुभ दिवस है, आज दुर्गा अष्टमी भी है, उसकी भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। माँ दुर्गा सिद्ध बली व बाबा से आदरणीय अमित शाह जी सहित सभी प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सब लोग आदरणीय अमित शाह जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे काम जो हमारे राज्य की तरफ से पूरे गढ़वाल लोकसभा से उत्तराखंड से केंद्र में लगातार समन्वय करने की आवश्यकता होती है, लगातार उनकी वकालत करने की आवश्यकता होती है, एक वकील बनकर राज्य की तरफ से वकालत करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए आप सब लोगों ने एक योग्य वकील के रूप में भाई अनिल बलूनी जी को चुनना है और भारी बहुमत से चुनना है, क्योंकि आप पूरे प्रदेश के अंदर आज एक तरह से जनसभा के मामले में आदरणीय अमित भाई आ गए हैं, तो आज जनसभाओं का एक तरह से समापन ही हो जा रहा है, क्योंकि कल नवमी है और आज ही जो है जितनी भी सभाएं होनी है और अंतिम सभा एक तरह से यहीं पर हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि भाइयों बहनों, पूरे उत्तराखंड में हमने देख लिया है, सब जगह लोगों से बात कर ली है और पूरे उत्तराखंड के अंदर एक ही माहौल बना हुआ है। सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड में हो या देश में हो, कहीं भी अगर बात करिए तो लोग कहते हैं कि मोदी जी की ही सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है और एनडीए की ही सरकार बनने वाली है। बस बात केवल इतनी सी होती है कि 400 से कितनी ज्यादा आने वाली है। तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि भाई अनिल जी को आप लोग यहां से भारी बहुमत से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मत समर्थन आशीर्वाद देंगे, ये मेरा अनुरोध है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे उत्तराखंड के साथ किस तरह का लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। भाइयों बहनों, हमने जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय गृह मंत्री जी से कोई भी बात उत्तराखंड के लिए कही है या उनसे कोई अनुरोध किया है, उन्होंने हमसे ज्यादा पहले त्वरित रूप से उस पर एक्शन लिया है, हमको स्वीकृतियां प्रदान की हैं। उसका ही परिणाम है कि आज 2,00,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं हमारे राज्य के लिए स्वीकृत हुई है। तो भाइयों बहनों, अब हमारी बारी है कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 10 वर्षों में अपने इन 10 वर्षों का एक एक पल और एक एक क्षण हमारे देश के लिए लगाया है, उत्तराखंड के लिए लगाया है, और जो उन्होंने इस देवभूमि में आकर एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य होगा, उत्तराखंड हिंदुस्तान का आदर्श राज्य होगा, उत्तराखंड के अंदर सारी सुविधाएं होंगी। उसको बनाने के लिए भाइयों बहनों, हम सब की बारी है और जो 400 पार का नारा है, उस 400 पार के नारे को हम सबको पूरा करना है। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करता हूं कि अनिल भाई को यहां से भारी बहुमत से जिताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब इंतजार की घड़ी खत्म होती जा रही है और जिनको सुनने के लिए कोटद्वार क्षेत्र की जनता लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय अमित भाई जी भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री हम सभी को संबोधित करेंगे। मैं आमंत्रण करता हूँ आदरणीय अमित भाई साहब का। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस के 10 साल में पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और फिर पाकिस्तान चले जाते, कोई कुछ नहीं करता। आपने मोदी जी को 14 में प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया, वो भूल गए कि कांग्रेस की राज नहीं है, मनमोहन सिंह नहीं है, अब नरेंद्र मोदी और भाजपा है, भाजपा है। 10 ही दिन में
सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी ने। भाई और बहनों, सीए लाकर 70 साल से तकलीफ में जी रहे हिंदू बौद्ध सिख भाइयों को नागरिकता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, ये 10 साल सारी मोदी जी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम। मित्रों, ये अनिल बलूनी के साथ मैंने बहुत काम किया है। मैं अध्यक्ष था तब हमारे मीडिया के इंचार्ज थे, फिर राज्यसभा में भी लड़े। मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं, अनिल को यहां से भेज दो, गढ़वाल की चिंता मैं करूंगा, आपको लड़ने की जरूरत। एक बार अनिल बलूनी को प्रचंड बहुमत से जिताई। अनिल भाई ने भी एक क्षेत्र के लिए जब कोरोना आया आईसीयू खोलने का काम किया, पौड़ी मुख्यालय में तारामंडल खोला, डोपलर रडार स्थापित कराया, और इगास पर्व को दिल्ली अगर जानता है तो अनिल बलूनी के कारण ही जानता है। भाई और बहनों, मैं आज कहने वाला बुला है पुष्कर सिंह, मैं आ चुकी हूँ अपने घर। अब बहुत ही ज्यादा गर्मी हो गई है और अभी बज चुके हैं शाम के 5, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा वहां पे जाके। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बहुत जल्द। ओके बाय।